अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा प्रभाग क्रमांक 3 आकोट तालुका आकोट ज़िला अकोला। मैं यहाँ का नगर सेवक बोल रहा हूँ, मोहम्मद अखिल पटेल। ये गौसिया नगर का एक इलाका है जहाँ पर आकोट, जहाँ पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन डाली हुई है, मगर इनका कहना है कि हमें पानी नहीं पहुंच रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कारण है। कैसा बताइए भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेख जमीर। शेख जमीर, आपको पानी नहीं पहुंच रहा है क्या? तो आज 25 से 26 दिन हो गए। अच्छा, पानी पाइपलाइन से इधर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, हमारी तरफ अब बहुत परेशानी जा रही पानी की। बहुत परेशानी जा रही है नी? अच्छा मेंबर साहब, आप एक बात बताओ कि भाई हमको जैसा कौन सा कारण है कि यहाँ जैसा हमारे तक पानी नहीं पहुँच रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये है गौसिया नगर, बहुत दूर इलाका पड़ता अपने पानी की टाकी से। अपने को बर्थडे प्लाट टाकी से पानी आता है। हाँ, बर्थडे प्लाट टाकी हर दो दिन या तीन दिन के बाद में अपने को सप्लाई मिलता है। सप्लाई मिलता है, ठीक है नी? हाँ। इसके पहले 20-25 दिन से आपको ये प्रॉब्लम जारी। 25 दिन हो गए आज। एक मरतबा मैं भी आया। हाँ। मैंने भी यहाँ का सर्वे किया, लेकिन मेरे को एक समस्या समझ में आ रही है चीज की। हाँ। कि आकोट जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण है, जहाँ के जो अभियंता है, जो कर्मचारी है, वो अपना पूरी तरीके से, पूरी अपनी जिम्मेदारी से पानी सप्लाई पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण यह है कि आकोट के जो बर्डे प्लाट टाकी का जो पानी है, वो आमोली बेस, हरुली बेस, इफ्तेकार प्लाट, अकबरी प्लाट, मिल्लत नगर, बर्डे प्लाट, कराड़े प्लाट, नवदुर्गा नगर, इन इलाकों से होकर गुजरता है। मसला यह है कि पानी का जो मसला है तुम्हारा, बर्डे प्लाट की टाकी में फुल पानी भरा जाता है, पानी चालू सप्लाई के अंदर भी पंप से पानी लौटा जाता है, यानी पंप भी शुरू रहता है, एक तरफ से पानी का सप्लाई भी शुरू रहता है और दूसरी तरफ से टाकी भरना भी शुरू रहता है। लेकिन उसका मसला यह है कि आज मैं मुसलमानों से, खासकर आकोट के अपने मुसलमानों से और अकबरी प्लाट के, इफ्तेकार प्लाट के, उसके बाद में मिल्लत नगर, उसके बाद में इन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका पानी भरना हो जाता है तो आप अपना जो लेट्रीन है उसमें पानी ना वेस्ट करें। लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अपना पानी भरने के बाद में लेट्रीन में लगा देते, उसके बाद में अपना आंगन धोते, पानी वेस्ट होता, जाय होता। इतना भी नहीं, अगर उससे उनका इतना उससे भी दिल अगर नहीं भरता तो वो रोड पर, रास्तों पर, गलियों में पानी मारते। वो कारण तुम्हारा जो पानी है वो ज़ाया हो जाता, वो तुम तक के नहीं पहुंचता। मैं ऐसे जालिम लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप वो यजीदियों का किस्सा ना दोहराएं जिन्होंने हसन हुसैन को पानी के लिए तरसाया, कतरे कतरे को तरसाया। उन्होंने तालाबों पर कब्जा करके उन लोगों को पानी पीने नहीं दिया और उनको प्यासे मार दिया, उनको प्यासे शहीद कर दिया। तो मेरी मुसलमानों से, खासकर मुसलमानों से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आपका पानी होने के बाद अपने लोग या तो टोटियाँ लगवाए, बूच लगाए, या फिर पानी को ज़ाया ना करें, लेटरिन में ना डालें या रास्तों पर ना मारे, तो इन लोगों को पानी मिल सकता है। आकोट जीवन प्राधिकरण के हाथ में बहुत अच्छी तरीके से अपना इंतजाम को संभाल रहे हैं। मुसलमानों, आपका काम है इन लोगों को पानी तभी पहुंचेगा जब अकबरी प्लाट, बर्डे प्लाट, इफ्तेकार प्लाट और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अगर ये यहाँ के लोग अगर पानी जाया नहीं करते तो गौसिया नगर, आज दो तीन इलाकों के अंदर प्रॉब्लम जा रही, गौसिया नगर, मलक तुजार और अमीनपुरा यानी हाजी नगर, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर यही समस्या है। मैं वहाँ के सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस बात को संज्ञान से ले, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो कि ये लोगों को अगर तुम पानी पहुंचाना चाहते, देखो रमजान का महीना है, इनको ऐसे मत तड़पा दूँ, ये रोजे रख रहे हैं बेचारे, मैं इनको देखता हूँ अगर इधर इधर ये जाते हैं पानी के लिए तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि
पानी इनको पूरी तरह से मिल रहा है अकबरी प्लांट को, लेकिन ये लोग पानी को जाया कर रहे हैं, इसका बस यही कारण है जंबल, दूसरा कुछ भी नहीं है। और महीना महीने से दो महीने के अंदर आप लोगों के एस्टीमेट बन चुके हैं, टेंडर भी मंजूर हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से पाइपलाइन आई नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो आपको कहा था, वादा किया था कि महीना दो महीने के अंदर पाइपलाइन आ जाएंगी, ये लॉकडाउन की वजह से अभी वो पाइपलाइन आई नहीं। मैं फिर भी आप लोगों को बोलता हूँ, अगर ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुल गया तो आप तक के 400 की पाइपलाइन, 300 की पाइपलाइन, 250 की पाइपलाइन जरूर पहुँच जाएंगी। उसका टेंडर मंजूर हो चुका है, सब काम मुकम्मल हो चुका है, बस लॉकडाउन खुलने की जिम्मेदारी समय है फकत, उसके बाद में तुम्हारा सब काम हो जाएगा।